अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए एलिवेट इंस्टीट्यूट। जेई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। स्थानीय प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग हर साल मुख्य मार्गों की मरम्मत करते हैं, लेकिन भारी भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण कार्य के कारण रास्तों की पोल खुल जाती है। 3 साल पहले काजल उत्तमपाल नामक विद्यार्थिनी इन गड्ढों के चलते दुर्घटना में मौत हो गई थी और अनेक दुर्घटनाओं के गड्ढे निमंत्रण दे रहे हैं। प्रशासन बड़ी अनहोनी दुर्घटना के बाद ही कुंभकर्णीय नींद से जागता है। अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत चंद्रपुर में यथार्थ होती नजर आती है। पार्थशर समाचार की मांग है कि समय रहते मार्गों की दुरुस्त किया जाए ताकि कोई मासूम को प्रशासनिक निष्क्रियता का शिकार ना बनना पड़े। आप लोग देख रहे हैं कि जो गड्ढा है ये वही गड्ढा है जिसमें कई सालों से कई जाने चली गई है, लेकिन प्रशासन कभी जागरूकता की जांच किया जाए। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि किसी की जान जाने के पहले ये गड्ढा यहाँ पर बुझाया जाएगा प्रशासन द्वारा। मैं नाहिद हुसैन, पार्थशर समाचार से। धन्यवाद। सोमैया पॉलिटेक्निक चंद्रपुर, अबाउट द स्ट्रगल यू आर इन टुडे, डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। फैसिलिटीज, कॉलेज एंड हॉस्टल कैंपस, गर्ल्स हॉस्टल विद एसी, बॉयज हॉस्टल विद एसी, डाउन सेंटर, आउटडोर गेम्स, डिजिटल एसी क्लासरूम, कैंटीन, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, जिम्नेशियम, इंडोर गेम्स, बस फैसिलिटी, ब्रांचेस माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एक्सीलेंट पॉलिटेक्निक इन चंद्रपुर बाय MSBTE, कमिटेड टू क्वालिटी एजुकेशन, सोमैया पॉलिटेक्निक। फॉर एडमिशंस कॉन्टैक्ट मिस्टर GS अम्बेडकर, मोबाइल 866-85-7194 and 75-88-07141। 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रवास योजना शुरू की है। इस पृष्ठभूमि में आने वाले दिनों में चंद्रपुर बनी आर्मी लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री और लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हरदीप सिंह पुरी यात्रा करेंगे। इस अवसर पर 7 जुलाई को चंद्रपुर भाजपा जिलाध्यक्ष देवराव भोंगले और बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी पूर्व विधायक सुदर्शन निमकर की अध्यक्षता में श्याम प्रसाद मुखर्जी पब्लिक लाइब्रेरी के हॉल में बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के कोर कमेटी सदस्यों और प्रमुख पदाधिकारियों की सांगठनिक बैठक हुई। इस बैठक में जिलाध्यक्ष देवराव भोंगले ने लोकसभा यात्रा योजना के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की योजना की समीक्षा कर विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। विधानसभा प्रभारी और पूर्व विधायक सुदर्शन निमकर ने भी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम की योजना की जानकारी दी। इस अवसर पर विधानसभा संयोजक प्रमोद कडू, पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश शर्मा, जिला महासचिव और लोकसभा विस्तारक नामदेव दाहुले, पूर्व जिला अध्यक्ष संध्या ताई गुरनूले, भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष देवतले, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अलका ताई अतराम, विधानसभा विस्तारक विनोद देशमुख, संघ प्रमुख राम लखिया आदि बैठक में उपस्थित थे। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपुर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC रिजल्ट इन 2022, 27 सक्सेसफुल रिजल्ट इन JEE 2021, 49 सक्सेसफुल रिजल्ट इन MHT CET, 154 सक्सेसफुल रिजल्ट इन नीट अप टू 2021। विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा, 12वी IIT, JEE, नीट, MHT CET, आजच आपली सीट निश्चित करा। संपर्क जनता करियर लॉन्चर, केयर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन चंद्रपूर, वेबसाइट www.jclchandrapur.com, कॉन्टॅक्ट नंबर 777-00-10-466। मौसम विभाग ने रविवार 10 जुलाई से 12 जुलाई तक चंद्रपुर जिले के लिए 3 दिन की चेतावनी और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान जिले के 2 स्थानों पर आंधी के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी दी गई है। जिला प्रशासन ने नागरिकों विशेषकर किसानों से विशेष ध्यान रखने की अपील की है, क्योंकि जिले में बांधों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बांध क्षेत्र में बारिश और आसपास के क्षेत्र में बांध में आने वाले पानी की मात्रा के कारण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए किसी भी समय एक बड़े बांध के द्वार खोले जा सकते हैं।
नदी के किनारे नागरिकों और किसानों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि बांध में जलस्तर 100% से अधिक है, जिसमें कोई द्वार नहीं है। कृषि उपकरणों के साथ साथ पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की अपील की गई है। नदी किनारे बसे गांवों के नागरिकों से अपील की गई है कि वे नदी बेसिन से गुजरने वालों का ध्यान रखें। मौसम की भविष्यवाणी और बांध की स्थिति और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त पानी के बहाव को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क रहे। किसी भी परिस्थिति में बाढ़ के पानी में प्रवेश न करें। यदि आप नदी के बेसिन के पास या किसी खतरनाक स्थान पर रह रहे हैं तो आपको तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। जब तक आपको मूसलाधार बारिश की आवश्यकता ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। किसी पुराने जीर्ण शीर्ण मकान या भवन में आश्रय ना लें। यदि पुल से नदी का पानी बह रहा हो तो पुल को पार ना करें। अफवाहों पर विश्वास ना करें, अफवाह ना फैलाएं। खतरनाक जगहें या ऐसी जगहों पर ना रुकें जहां दर्द हो रहा हो। जिला और तालुका नियंत्रण कक्ष को तुरंत सूचित करने की अपील की है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर और सचिव विशाल कुमार मेश्राम ने चंद्रपुर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कंट्रोल रूम से 07172251597 पर संपर्क करने की अपील की है।